आप देख रहे हैं तेज खबर 24, मैं हूं आपके साथ विकास। रीवा शहर के कला मंदिर स्थित लक्ष्मण बिल्डिंग के दुकान मालिकों ने शनिवार की रात 4 दुकानों का ताला काटकर उसमें अपना ताला डाल दिया। इन दुकानों को किराए से लेकर काम करने वाले अब भटक रहे हैं। किराए से दुकान लेकर संचालित करने वाले लोगों का सामान भी दुकान के अंदर ही रखा हुआ है। पीड़ितों द्वारा घटना की शिकायत अमैया थाने में दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बताया गया है कि अमैया थाने के लक्ष्मण बिल्डिंग में 4 लोग किराए की दुकान लेकर पिछले कई वर्षों से लगातार काम कर रहे थे। शनिवार की रात सभी दुकान संचालक अपनी अपनी दुकानें बंद कर घर चले गए थे। देर रात दुकान मालिक ने उनके दुकानों में लगा ताला काट कर खुद का ताला लगा लिया है। उनकी दुकानें के बोर्ड को भी हटाकर फेंक दिया गया है। सुबह पीड़ितों को जब इस घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने दुकान मालिक से बात की, लेकिन वे ताला खोलने को तैयार ही नहीं थे। परेशान दुकानदारों ने अमैया थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दुकान संचालक रामदेव ने बताया कि उनकी अनिल कंप्यूटर के नाम से दुकान संचालित है, जिसमें वह काम करते हैं। उनके द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के दस्तावेज दुकान के अंदर ही रखे हैं, जिससे कई बच्चे परीक्षा देने से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से लगातार दुकान संचालित कर रहे हैं। दुकानदारों का विवाद दुकान मालिक से किराया बढ़ाने को लेकर चल रहा था। उन्होंने बताया कि दुकान मालिक द्वारा गलत तरीके से किराया बढ़ाया जा रहा था, जिसको लेकर दुकानदारों ने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की है, लेकिन न्यायालय का निर्णय आने से पहले ही दुकान मालिक द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। दुकान संचालकों द्वारा कार्रवाई की मांग की गई है। ये है लक्ष्मण बिल्डिंग में दुकान नंबर 1, अनिल कंप्यूटर के नाम से मेरा संचालित है ऑनलाइन। और मैं रात में 8:30 बजे दुकान बंद करके और घर गया हूँ, और सुबह 9:30-10 बजे के लगभग दुकान जैसे आया हूँ तो मैंने देखा कि मेरा बोर्ड वगैरह सब हटा दिया गया है और मेरे ताले नहीं लगे थे, दूसरे ताले लगे थे, और बोर्ड में पेंट वगैरह कर दिया गया है। तो CCTV पे मैंने देखा तो रात में मेरा बंद करते हुए का वीडियो है मेरे पास, और रात को 12 बजे करीब इन्होंने CCTV की तार भी काट दी है। उसके पहले की फुटेज मेरे पास है, ये लोग पेंट करते हुए दिख रहे हैं, और मकान मालिक हर्षराज मिश्रा और अंशुल फणीन्द्र और ताला काटते हुए अशोक मिश्रा, ये सभी दुकानों में कार्रवाई करें लोग रात को। ये रात में 12 बजे कितनी 12 बजे से वो काट दिया है उन्होंने, 12 बजे पहले इन्होंने। कितनी दुकानों का आप लोगों का मामला है? ये 4 दुकानों का मामला है। नाम क्या है? नाम बताओ सबका, बाकी का। ये खंडेलवाल सर्जिकल है और बगल में सुनील थिएटर्स है, और उसके बगल में दिनेश मानकर रेडियो हाउस के नाम से है। और ये मकान मालिक का नाम क्या है? मकान मालिक हैं अशोक प्रसाद मिश्रा और हर्ष प्रसाद मिश्रा, अंशुल फणीन्द्र मिश्रा। ये मामला आप लोग का कहाँ चल रहा है? ये पहले कहाँ कहाँ सुनवाई हो चुकी, क्या चीज़? हाई कोर्ट। हम लोगों का मामला अभी तो हाई कोर्ट में। इनका मामला केवल हाई कोर्ट में किराएदारी उसका है, भाड़ा बढ़ाने के लिए हम लोगों का लगा हुआ है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में चल रहा है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते ताला खोले या नहीं, तो हम लोग आजीविका कैसे चलेगी? पुलिस ताला खुलवाए, एडमिशन का मामला है, कल लास्ट डेट है, उनके कागज इनके उनका भविष्य हमारे दुकान के अंदर कागज रखे, उनके फीस जमा करने के लिए अमाउंट रखा हुआ। आप लोगों को सूचना नहीं दी गई थी इन सब चीज़ों की? नहीं दी गई किसी मकान मालिक द्वारा? नहीं, कोई सूचना नहीं दी गई। मतलब दमंगाई पे कुल मिला के आपको बगैर जानकारी दिए रात में?